यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, इस कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम होंगे, डेबिट साइड में भी दो कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम होंगे। जो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी थी ना, तो उसमें अमाउंट का डेबिट में भी एक ही कॉलम होता था, क्रेडिट में भी एक ही कॉलम होता था। टू कॉलम कैश बुक में डेबिट में एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा। सेम क्रेडिट में भी कैश का कॉलम अलग होगा अमाउंट में, और बैंक का कॉलम अलग होगा। ठीक है, तो ये इट इज़ द कैश बुक, जो टू कॉलम कैश बुक है उसको डिफाइन कर रही हूँ मैं। इट इज़ द कैश बुक विथ टू कॉलम ऑफ अमाउंट ईच साइड, दोनों साइड चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो उसमें अमाउंट के दो कॉलम होंगे। वन कॉलम टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन एंड द अदर टू रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शन। दो कॉलम होंगे जिसमें एक कॉलम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होगा, दूसरा कॉलम बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होगा। ठीक, इन शॉर्ट द टू कॉलम रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि जो दो कॉलम होंगे, एक तो कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसा होगा। वैसे फॉर्मेट वैसा ही है जैसा सिंगल कॉलम कैश बुक का होता है, मोस्टली वही है, लेकिन बस अमाउंट के कॉलम एक की जगह दो हो गए। देख लो, इधर आपकी डेट मेंशन होगी, ये डेबिट पोर्शन में पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो, यहाँ तक तो वो सेम है जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती थी, बस यहाँ इन दो की जगह उसमें सिंगल अमाउंट का कॉलम होता था। इसमें एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, अमाउंट के दो कॉलम कर दिए। यानी कैश ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करना है, और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बैंक से विड्रॉल हुआ, बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो बैंक वाले कॉलम में हमको मेंशन करना है। सेम क्रेडिट में भी यही मैटर रहेगा, डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो, ये आपको पता है, ये अमाउंट के दो कॉलम, कैश ट्रांजेक्शन को इस कॉलम में रिकॉर्ड करना है और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को इस कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एक इस टू कॉलम कैश बुक में एक मैटर ही ध्यान रखना कि जो कैश ट्रांजेक्शन हमको केवल कैश वाले कॉलम में लिखने हैं, वो सेम वैसे ही होंगे जो सिंगल कॉलम कैश बुक में हुए थे। कैसे किया था हमने उसमें, जो अगर रिसिप्ट हुआ था हमको कैश, तो हमने उसको डेबिट में रिप्रेजेंट किया था। कैश जो भी आया डेबिट में लिखा था, कैश जो भी गया क्रेडिट में लिखा था। तो कैश वाले कॉलम में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, कैश आएगा हमको इधर लिखना है, बस ध्यान रखना कैश वाले कॉलम में फीड करना है, बैंक वाले कॉलम में नहीं। सेम जाएगा तो इधर करना है। और भी क्या बताया था मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक में, बताया था कि ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ लिखना है टू बैलेंस BD, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बाई बैलेंस CD। फिलहाल मैं आपको केवल कैश कॉलम के बारे में बता रही हूँ कि कैश कॉलम को ऐसे फीड करना है। अब मैटर आता है बैंक कॉलम, कैश कॉलम कैश बुक जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी सेम आएगा। अब बैंक कॉलम को मैं आपको बता रही हूँ, इसमें केवल बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे। अच्छा, बैंक में अब कैसे, किस मैटर को डेबिट में लिखना है, किस मैटर को बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट में लिखना है, अब वो समझते हैं। बैंक आपकी एसेट्स होती है, बैंक अकाउंट है ना, तो बैंक में अगर ये इंक्रीज होगा बैंक बैलेंस, एसेट्स को हम क्या करते हैं, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो हम उसको किधर लिखेंगे, डेबिट में। अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो हमको उसको क्रेडिट में लिखना है। सिंपल, आई बात समझ में, क्या करना है, अगर आपका बैंक बैलेंस किसी भी ट्रांजेक्शन से, अब इस वाले बैंक वाले कॉलम में केवल बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेने हैं, और अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होना है, देन यू विल शो इन डेबिट साइड। और अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, तो आपको उस मैटर को कहाँ शो करना है, क्रेडिट साइड में। और क्या डिफरेंस है बैंक वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में ध्यान रखना, कैश में आपको बताया था कि हमेशा इसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैश भी एसेट्स है, बैंक बैलेंस भी एसेट्स है, और इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश का मैंने आपको बताया क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा आप लॉकर से या कहीं से भी नहीं निकाल सकते। पर बैंक बैलेंस में आपका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, यानी बैंक का आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इसका डेबिट है कि क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट कैसे होता है, ओवरड्राफ्ट वर्ड सुना था, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि हम बैंक में जितनी अमाउंट डिपॉजिटेड है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर विड्रॉ करते हैं, कुछ कस्टमर को बैंक फैसिलिटी देता है कि आपकी जितनी अमाउंट डिपॉजिटेड है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। जैसे मेरे 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है, तो एक अच्छी रेपुटेशन के कारण मेरे को बैंक ने फैसिलिटी दे रखी है कि आपका 3 लाख रुपीज़ तक का चेक होगा, हम बाउंस नहीं करेंगे। तो मैंने 3 लाख का किसी कस्टमर को चेक दे दिया, तो डिपॉजिट 1 लाख ही थे, बैंक ने 3 लाख का चेक का पेमेंट कर दिया मेरे, तो ये 2 लाख रुपीज़ जो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट किया है मेरे बिहाफ पे, ये मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है। यानी जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा विड्रॉ हो गया, दैट मीन्स मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया है।
तो बैंक अकाउंट का बैंक कॉलम में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, यानी इसका जरूर आपका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, बैंक का आपका ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो जैसा भी सिचुएशन हुई, अगर आपको कहे कि बैंक बैलेंस ओपनिंग में कहे कि ओवरड्राफ्ट है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको उस सिचुएशन में ओपनिंग बैलेंस इधर शो करना पड़ेगा बैंक बैलेंस का। कैश का तो आपका टू बैलेंस बीडी ही आएगा, बैंक का आपको यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा अगर ओपनिंग बैलेंस माइनस में है तो, और अमाउंट उसकी बैंक वाले कॉलम में लिखोगे, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि क्लोजिंग तो आपको बैलेंस निकालना, वैसे भी आपको सिखाया था अकाउंट्स को जैसे बैलेंस करते हैं, कैश कॉलम का अलग से बैलेंस कर लेना, बैंक कॉलम का अलग से बैलेंस करना, इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अब टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हमने समझ लिया, कैसे अमाउंट वाले कॉलम जो कैश और बैंक के दो कॉलम है, कैसे इनको कब किधर फीड करना है, ये भी हमने जान लिया है ना। अब एक नई टर्म समझते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। एक नया अकाउंटिंग टर्म आ गई आपकी, न्यू कॉन्ट्रा एंट्री। ये क्या होती है ये समझते हैं। हम जर्नल एंट्री करना सीख चुके हैं पहले, उसमें हमने देखा कि एक अकाउंट को डेबिट करते हैं देन अदर द अदर वन विल बी क्रेडिटेड। ये हमने पढ़ा था कि भाई एक डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें केवल दो अकाउंट फिक्स हैं, एक तो कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। यानी अगर कैश अकाउंट डेबिट होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, या फिर अगर बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कॉन्ट्रा एंट्री में आपको केवल दो ही अकाउंट इन्वॉल्व करने होते हैं। देयर मे बी सम ट्रांजेक्शन्स विच रिलेट टू बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कैश का और बैंक इन दोनों से ही रिलेटेड एंट्री करनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, बैलेंस ऑफ वन अकाउंट विल इंक्रीज एंड द अदर वन विल डिक्रीज। इसमें क्या होगा, जैसे अगर कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, या फिर अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो कैश बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। सच ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश का भी कॉलम रखते हैं, बैंक का भी कॉलम रखते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री में क्या हो रहा है, जैसे अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमको इस एंट्री को एक कैश वाले कॉलम में भी शो करना पड़ेगा और बैंक वाले कॉलम में भी शो करना पड़ेगा। अब कैश इंक्रीज हुआ यानी कैश आपकी रिसिप्ट हो रही है, तो कैश वाले कॉलम में तो हमको डेबिट में शो करना पड़ेगा, और आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक वाले कॉलम में आपको इसको क्रेडिट में शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो कॉन्ट्रा एंट्री वाले ट्रांजेक्शन हैं उनको हमको इस डबल कॉलम कैश बुक में दोनों साइड में रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। सच ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ डबल कॉलम कैश बुक एंड दीज एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मोस्टली इसमें दो एग्जाम्पल ही ज़्यादा अप्लाई होंगे। फर्स्ट, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, सेकंड हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। कैश डिपॉजिट कराया, इसको फीड करना मैं समझा रही हूँ आपको, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया। हमारे बिजनेस में कैश आता ज़्यादा रहता है तो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। कैश डिक्रीज हो रहा है यानी कैश तो जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में कहाँ कहाँ फीड होगी, कैश जा रहा है, कैश का पेमेंट हो रहा है तो कैश वाले कॉलम में हम क्रेडिट में शो करेंगे, और बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक वाले कॉलम में हम डेबिट में शो करेंगे। दोनों साइड एंट्री होगी, इस साइड कैश वाले कॉलम में एंट्री होगी और इस साइड आपके बैंक वाले कॉलम में, कॉलम जरूर चेंज होगा। ऐसे सेकंड था, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो दो ट्रांजेक्शन क्या हुए, नंबर वन कैश आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है तो कैश वाले कॉलम के डेबिट में, नंबर टू बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक में आपका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो बैंक वाले कॉलम के क्रेडिट में। ऐसे करके आपके कैश और बैंक के अपोजिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसलिए कहते हैं कि इस वाले जो पैटर्न है आपका टू कॉलम कैश बुक, इसमें आपकी दोनों साइड में एंट्री रिकॉर्ड होगी। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि कैसे किधर किधर कैसे रिकॉर्ड होगा। इसके लिए मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख रखे हैं 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, और आगे और चलेंगे ट्रांजेक्शन्स, और अभी कंटिन्यू बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करवाऊंगी ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ दे रखा है 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश था 70,000 और बैंक बैलेंस है जो क्रेडिट है, मीन्स नेगेटिव है ना,
वो कितना है 40,000। तो हमको पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने होते हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा डेबिट होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में लिखना है, लेकिन बैंक का इन्होंने दे रखा है कि क्रेडिट, दैट मीन्स नेगेटिव बैलेंस है, तो हमको इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस को दोनों साइड में लिखना पड़ेगा। 1 अप्रैल कैश का लिख रही हूँ मैं पहले, 2 बैलेंस BD, LF में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा, केवल कैश, क्योंकि कैश बैलेंस लिख रही हूँ, बैंक कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, कैश में आपका आ जाएगा 70,000 रुपीज़। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख रही हूँ क्रेडिट साइड में, वही सेम डेट 1 अप्रैल बाई बैलेंस BD, और इसमें बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक का बैलेंस लिख रहे हैं, नेचुरल है 40,000। नेक्स्ट 2 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई ओनर ने। कैसे इंट्रोड्यूस की, 5,000 का तो चेक लेके आया है और 15,000 कैश लेके आया है। हाँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 15,000 कैश, 5,000 चेक, यानी आपके कैश कॉलम में भी 15,000 शो करने होंगे और बैंक बैलेंस में भी 5,000 इंक्रीज करने पड़ेंगे। किस वजह से है, उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो नॉर्मली हम क्या एंट्री करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, ध्यान है ना, कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल। तो अब इसको शो कहाँ करना है वो देख रहे हैं। हाँ, बिजनेस में कैश आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, कैश के भी डेबिट में लिखेंगे, बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है हमारे बिजनेस का, हमें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमारे बिजनेस में कैश भी आया है, हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हुआ है, तो हमको इसको दोनों ही मैटर में डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा। किस वजह से, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, तो इसको टू कैपिटल कर देंगे, अपनी अपनी अमाउंट अपने अपने कॉलम में। ये 2 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है। हाँ, कैश कितना आया, 50,000, तो कैश वाले कॉलम में क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है डेबिट में लिखना है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है हमारे बिजनेस का, इसलिए इसको भी डेबिट में लिखना है। ये हो गया 2 अप्रैल का आपका ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट 3 अप्रैल कैश परचेजेज है, 6,000 के हमने कैश परचेज की है, जिसपे 6% CGST है और 6% SGST, जिनका मीनिंग आपको पता है, CGST और SGST जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। तो परचेज में क्या हो रहा है, कैश परचेज की कैश जा रहा है, ओके, कैश पेमेंट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो हम इसको 3 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड में शो करेंगे क्योंकि पेमेंट हो रहा है, बाई परचेजेज और आपको CGST भी पेमेंट करना पड़ रहा है ना, बाई CGST और बाई SGST, सब 3 अप्रैल के। अमाउंट परचेज की क्या है, 6,000, सब कैश ही ट्रांजेक्शन है ना, तो 6,000 तो हम लिखेंगे परचेज वाले कॉलम में, 6% के हिसाब से 360 हो गया CGST और 360 हो गया SGST, ये सब कैश आपका पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल का, कैश सेल्स ₹10,000, 10,000 की कैश सेल्स की, रिसिप्ट हो रहा है, कैश रिसिप्ट हो रहा है, कैश सेल्स में आपका कैश रिसिप्ट होगा, जनरल एंट्री ध्यान है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इधर डेबिट में लिखना है। और किस वजह से कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश रिसिप्ट किस वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से, तो क्योंकि कैश आपका रिसिप्ट हो रहा है इस कॉलम में लिखेंगे 5 अप्रैल, और किस वजह से, सेल्स की वजह से, टू सेल्स, कैश ट्रांजेक्शन है कि बैंक चेक है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, ये आपका 10,000 रुपीज़ कैश वाले कॉलम में लिख दिया, बैंक वाले कॉलम में अभी कुछ नहीं है क्योंकि चेक का मैटर ही नहीं है। 5 अप्रैल के बाद नेक्स्ट 8 अप्रैल कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया, ये कुछ सुना हुआ ट्रांजेक्शन लग रहा है, अभी जस्ट पहले, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था कॉन्ट्रा एंट्री। इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक कैश अकाउंट पे और एक बैंक अकाउंट पे, और 2 अकाउंट पे जब इफेक्ट पड़ता है तो इस 2 कॉलम कैश बुक में दोनों साइड ये रिकॉर्ड होगा, और इसको कौन से एंट्री बोलते हैं, रिमाइंड करो, कौन से एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस कॉन्ट्रा एंट्री को हमको दोनों तरफ शो करना पड़ेगा। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन के बार एंट्री बोल के देखते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्या एंट्री बनी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनी ना। तो अब हमको दोनों तरफ शो करना है,
कैश कॉलम में किस साइड शो होगा, बैंक कॉलम में किस साइड शो होगा, वो हमें अब समझना है। इसको अच्छे से समझना कॉन्ट्रा एंट्री इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये टू कॉलम कैश बुक जो जिस हमने तीन मेथड पढ़े हैं इसके कैश बुक मेंटेन करने के, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और नेक्स्ट जो थर्ड हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक, इन तीनों मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये टू कॉलम कैश बुक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना, और ये कॉन्ट्रा एंट्री थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, और इसको अब यहाँ अप्लाई करना कैसे है वो भी समझ रहे हैं ना। अच्छा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या एंट्री बोली थी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कहाँ कहाँ कैसे होगा, इस एंट्री को ही हम लेजर पोस्ट कर देना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश वाले कॉलम में तो लिख देते हैं टू बैंक, 8th अप्रैल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश आ रहा है, कैश डेबिट किया, बैंक से विड्रॉ हो रहा है, बैंक में डिक्रीज हो रहा था, बैंक को क्रेडिट किया, ये लॉजिक आपको पता ही है, एंट्री करना आपको आता ही है। तो कैश के वाले कॉलम में डेबिट में तो लिखेंगे टू बैंक लेजर पोस्टिंग, और बैंक में लिखेंगे बाई कैश, दोनों तरफ एंट्री समझना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये किसके कॉलम में एंट्री करनी, ध्यान रखना कैश अकाउंट के डेबिट में, तो हमें अमाउंट कैश वाले कॉलम में लिखनी, ध्यान रखना इधर लिखा तो आपने टू बैंक अकाउंट है, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में लिखनी है आपको, कैश अकाउंट में, क्योंकि आप जो लेजर पोस्ट कर रहे हो आपकी एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है, अमाउंट आपको डेबिट में लिखनी है, पर यहाँ लैंग्वेज में आपको टू बैंक लिखना है। लेजर की पोस्टिंग ये आपका 2000 रुपीज़ था, चलो इधर तो पोस्टिंग कर ली, लेकिन ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, और कॉन्ट्रा एंट्री को तो दोनों तरफ दिखाना होता है। अच्छा, कैश वाले कॉलम में तो दिखा दिया क्योंकि कैश रिसिप्ट हुआ, हमने डेबिट में दिखा दिया, अब इधर हमें बैंक वाले कॉलम में दिखाना है, क्या एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसमें बाई कैश आ जाएगा, पर इसमें ध्यान रखना अमाउंट आपको बैंक वाले कॉलम में लिखनी है, इसमें आपने अमाउंट कौन से वाले कॉलम में लिखी थी, कैश वाले कॉलम में लिखी थी, इसमें अमाउंट आप किस कौन से वाले कॉलम में लिखोगे, बैंक वाले कॉलम में, इसमें लिखा कैश वाले कॉलम में एंड अमाउंट पोस्ट करके टू बैंक लिखा, इसमें बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिख के बाई कैश लिखोगे। ओके, ये कितने रुपीज थे, 2000 रुपीज, और रिमाइंड करो कौन सी एंट्री वापस बोलना, कॉन्ट्रा एंट्री है ना। तो इसमें एक मैटर और आता है कि आपने कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, दोनों साइड पोस्ट कर दी, और मैंने आपको बताया था ये जो LF वाला कॉलम है, अब तक मैंने आपको यही बताया कि आपके लिए फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका यूज़ होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो जैसे ही आप ये कॉन्ट्रा एंट्री करते हो, इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको क्या करना है, LF वाले कॉलम में सी, इससे इधर भी करी थी आपने ये एंट्री और इधर भी करी आपने एंट्री, तो इसके सामने जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है उसमें सी लिखना है। That C will represent that this is the contra entry. Okay, ये नया मैटर आ गया आपका, C लिखना है आपको, बाकी हम LF वाले कॉलम में कभी कुछ लिख ही नहीं देते, इस बार लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका गुड्स 10th अप्रैल का, गुड्स सोल्ड टू सोनू ऑन क्रेडिट, हमने सोनू को क्रेडिट पे गुड्स सेल की 12,000 की, क्या इसमें कैश आया है, नो, क्रेडिट पे सेल की है, क्या इसमें चेक आया है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, नो, अभी हमने क्रेडिट पे सेल की है, क्या ये ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा, नेवर, कैश बुक में केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं या तो कैश आया या गया या बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इस ट्रांजेक्शन से, क्योंकि हमने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया है, न कैश में ही कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है न बैंक बैलेंस इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, सो दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक। बट एक और ध्यान रखना कि ये जो ट्रांजेक्शन जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आपको एक काम करना होगा, जब ये आपकी कैश बुक कंप्लीट हो जाती है लास्ट में एक नोट लगाना होगा, दैट क्या कि दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज देयर इज नॉट एनी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन। हाँ, नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 7,000, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री लग रही है, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, ये उसका अपोजिट हो गया, अभी अपन ने जो कॉन्ट्रा एंट्री की ना उसके बिल्कुल अपोजिट, उसमें तो हमने विड्रॉ किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैसे कैश है ना बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, क्या एंट्री बनती है बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, उसका पूरा रिवर्स मैटर हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट मीन्स इसको दोनों तरफ रिकॉर्ड करना है, बैंक के डेबिट में इधर बैंक वाले डेबिट कॉलम में लिखना है और यहाँ लिखना है टू कैश एंट्री, ध्यान पहले एंट्री बोलो फिर करो टू कैश, है ना,
आपकी डेट है 12th अप्रैल, एंट्री के अकॉर्डिंग पोस्ट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखना है और यहाँ टू लिखना है, और अमाउंट आपकी है 7000। अब सेकंड टाइप साइड भी तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी, इस साइड भी तो इधर बिल्कुल उल्टा। इसकी तो 8 अप्रैल डेट थी, अब 12th अप्रैल को इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे। हमने बैंक अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू कैश, तो इधर कैश वाले कॉलम में लिख देंगे बाई बैंक, पर अमाउंट हमें कैश वाले कॉलम में लिखनी है, ध्यान रखना। ये भी कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा, क्योंकि दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो नेचुरल है हमें यहाँ क्या लिखना है, सी लिखना है, दैट डिनोट्स कॉन्ट्रा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15th अप्रैल, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक एंड डिपॉजिटेड इन टू बैंक। हमें अशोक से चेक मिला 4000 का और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्या दो, कौन से दो अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है? हमने चेक मिला अशोक से और बैंक में डिपॉजिट करा दिया। एक बार एंट्री बोल के देख लो, आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा, चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। और किसने दिया चेक? अशोक ने, दैट इज गिवर, तो वो क्रेडिट होगा। क्या एंट्री बनी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, यही बनी ना। तो बैंक अकाउंट है तो इसमें आना ही है नेचुरल। अच्छा, कहाँ आना है? केवल बैंक वाले कॉलम में, कैश वाले कॉलम में नहीं आएगा इसका कोई भी रिकॉर्ड। और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड आएगा? चेक आया, चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरल है डेबिट साइड में आएगा। क्या एंट्री बोली आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक, तो बैंक वाले कॉलम में टू अशोक लिख दोगे आप। ये आपका 15th अप्रैल हो गया और अमाउंट हो गई आपकी 4000। सॉरी, कैश वाले कॉलम में नहीं लिखना है, बैंक वाले कॉलम में लिखना है। क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश नहीं हुआ है। 15th अप्रैल के बाद 18th अप्रैल, ये एक नई टर्म आ गई, 18th अप्रैल बैंक चार्जेस 500 रुपीज। अब बैंक अपने को इतनी सारी फैसिलिटीज़ देता है तो कुछ चार्जेस भी लेता है, डिडक्ट करता है अपने अकाउंट से, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस डिडक्ट किए 500 रुपीज़, बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिए पैसे काटे, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, पहले ये सोचना होगा। बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा हमारे अकाउंट से, बैंक क्योंकि फैसिलिटीज देता है तो बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, सो दैट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। लिख दूं क्रेडिट साइड में, ये आपका बाई बैंक चार्जेस, ये हो गया 18th अप्रैल का। अच्छा, दो कॉलम आपके पास, कैश और बैंक, कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम में, नेचुरल है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से हुआ है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 500 रुपीज। ये सब अकाउंट है, सब के आगे आपको अकाउंट मेंशन करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 19th अप्रैल का ट्रांजेक्शन, वेजेस पेड बाई चेक रुपीज़ 1000। हमने चेक से वेजेस पे की 1000 रुपीज़, चेक से पे की। एंट्री सोचना, वेजेस एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, चेक से पेमेंट किया बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है। पोस्टिंग समझ लेते हैं, केवल बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, चेक गया ना बैंक अकाउंट पे था और इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, आपने चेक दिया तो आपका बैंक बैलेंस नेचुरल है डिक्रीज़ होगा, तो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। यहाँ लिख देती हूँ, किसका पेमेंट किया हमने? वेजेस का। 19th अप्रैल का ट्रांजेक्शन, और ये जो रिकॉर्ड होगा ये आपका बैंक वाले कॉलम में होगा, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20th अप्रैल, विड्रॉन ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए नहीं किए, हमने हमारे पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो क्या हमारे बिजनेस में कैश आया? क्या कैश ट्रांजेक्शन हुआ क्या बिजनेस में? बिजनेस में कैश नहीं आया है, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर अपने घर पे कैश ले गया है बैंक से विड्रॉ करके। पैसा हमारे बैंक अकाउंट से तो डिक्रीज़ हुआ है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमारे बिजनेस में कैश नहीं आया है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। कैश तो ओनर ले गया, तो क्या एंट्री बनती है? जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे ले जाता है या कोई भी आइटम ले जाता है, वो ड्राइंग्स कहलाती है।
तो ये ड्राइंग्स वाला मैटर हो गया भाई। पर इस ड्राइंग्स से क्या हमारे कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा है? नो, हमारे पास कोई कैश नहीं आया, वो पर्सनल यूज़ के लिए गया, बिजनेस में नहीं आया कैश। क्या हमारे बैंक बैलेंस पर इफेक्ट पड़ा है? यस, हमारे बैंक बैलेंस से उसने पैसे विड्रॉ किए ओनर ने, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है, तो नेचुरल है ये हमारे बैंक वाले कॉलम में एंट्री रिकॉर्ड होगी और डिक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट साइड में होगी। तो हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 20th अप्रैल की बाय ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से। और कॉलम कौन सा यूज लेंगे? कैश वाला नहीं होगा, आपके बैंक से पैसे निकले हैं तो ये 2000 रुपीज, क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है इसके क्रेडिट में। ये ऐसे करके हमने 20th अप्रैल तक के तो ट्रांजेक्शन लिखे हैं। अब नेक्स्ट और ट्रांजेक्शन कुछ जो टिपिकल है, ट्रांजेक्शन 22 अप्रैल को क्या हुआ है? पेड टू रोहन बाई चेक 48,000, कैश डिस्काउंट अलाउड बाई हिम 2000। हमने रोहन को चेक दिया 48,000 का और उसने हमको डिस्काउंट दिया 2000 का। मैटर थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हमने रोहन को 48 का चेक दिया और हमको उससे 2000 का डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट। दैट मीन्स वो कितने रुपीज मांगता था हमसे? 50,000। बट हमने उसको 48 ही दिए, तो हम एंट्री भी 48 से ही करेंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस में 50 थोड़ा आ रहे हैं, बैंक बैलेंस 50 से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, 48 से हो रहा है। तो हमारे बैंक बैलेंस में क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय रोहन। कितने रुपीज और कौन से कॉलम में? ध्यान है ना, चेक आया है, चेक दिया है सॉरी, तो 48,000 में और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, 48,000 रुपीज लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा और आपने 48 दिए हैं तो 48 ही होगा, भले वो 50 मांगता हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसमें ये चीज ध्यान रखना कि डिस्काउंट की कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। इसकी पूरी एंट्री बोल एक बार देखें, समझें। हमने चेक दिया, किसको दिया? रोहन। रोहन रिसीवर हो गया, हम उसको डेबिट करेंगे। रोहन अकाउंट डेबिट 50,000, टू बैंक अकाउंट 48, टू डिस्काउंट रिसीव 2000। तो बैंक वाली 48 तो हमने कर ली, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2000, उसकी एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं होगी, उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में, जो हम सब्सिडियरी बुक पढ़ेंगे उस टॉपिक में करेंगे। ओके, ये 22 अप्रैल का तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 23 अप्रैल, राहुल ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 11,000। राहुल हमारा कस्टमर है, हम उससे पैसे मांगते हैं, उसने क्या किया? हमारे बैंक अकाउंट में 11,000 डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए। डिपॉजिट करा दिए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश का कोई मैटर ही नहीं है, इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखना है? डेबिट में लिखना है। किसने डिपॉजिट करा है? राहुल ने, तो राहुल का नेम लिख दो। बैंक वाले कॉलम में लिखना है भाई, बैंक वाले कॉलम में लिखना है 11,000, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट 24 अप्रैल, रिसीव फ्रॉम वेद इन फुल सेटलमेंट। इस लैंग्वेज को अच्छे से समझना, रिसीव फ्रॉम वेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6,000। हमको वेद से, उससे पैसे मांगते थे, उसने हमें 6,000 रुपए दे दिए। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपोजिटेड इन टू बैंक, और उसमें से हाफ 6,000 मिले हमको, 6,000 में से हमने हाफ अमाउंट 3,000 को कहाँ डिपॉजिट करा दिया? बैंक में। यानी हमको वेद से टोटल 6 मिले, उसमें से 3,000 तो कैश हो गया आपके पास, कैश इंक्रीज हो गया, और 3,000 आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, टोटल 6,000 का ये आपका बनेगा क्लेम, है ना। तो हमको 3,000 कैश में शो करने हैं, 3,000 बैंक अकाउंट में शो करने हैं, और दोनों को ही डेबिट करना होगा। क्यों? क्योंकि कैश रिसिप्ट हो रहा है तो नेचुरल डेबिट होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो भी डेबिट होगा। तो हम डेबिट में लिख दो इस मैटर को, वेद से हुए 24 अप्रैल टू वेद 3,000 हम कैश वाले कॉलम में लिखेंगे बिकॉज कैश इज इंक्रीजिंग, एंड 3,000 हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। हो गया 24 अप्रैल। नेक्स्ट 25 अप्रैल, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1500। बैंक हमको बहुत सारी फैसिलिटी देता है ना, तो कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंडिचर का काम वो करता है। हमारे कोई एक्सपेंडिचर है, जैसे हमने गाड़ी ली है तो उसकी इंस्टॉलमेंट है, तो बैंक से डायरेक्टली आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो जाती है। एक तो ये फैसिलिटी हमारे एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहा है, LIC की प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हमारा बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, तो ये तो हो गया एक्सपेंडिचर का पेमेंट। ऐसे ही बैंक हमारी कुछ इनकम्स का कलेक्शन भी करता है। जैसे मेरा कहीं पे फ्लैट है
मुंबई में मेरा फ्लैट है और मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, तो मैंने जिसको रेंट पे दे रखा है मैंने उसको कह रखा है कि तुम ऐसा करना हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देना, दैट इज़ माई इनकम। ओके, तो ये इनकम बैंक में डायरेक्टली कलेक्टेड हो रही है। कल ऐसे ही मैंने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा है तो उसको कह रखा है कि इंटरेस्ट का पैसा डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करा देना, बार बार उसे लेने जाना वो पॉसिबल नहीं है आज के प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ओके, तो वो मैटर आ रहा है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने 1500 का इंटरेस्ट का कलेक्शन किया कैश अकाउंट पे, यानी कैश वाले कॉलम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल बैंक कॉलम में इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट कलेक्शन से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? नेचुरल इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट April 25 किस में लिखूं, कैश वाले कॉलम में कि बैंक वाले कॉलम में? बैंक वाले कॉलम। नेक्स्ट 26 April एन अमाउंट ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम राकेश, राकेश से हम रुपीज 1000 रुपीज मांगते थे, रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, उसको हमने बैड डेब्ट्स मान लिया था लेकिन अब वो अमाउंट रिकवर हो रही है। राकेश से हम 1000 रुपीज मांगते थे, वो अमाउंट बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर दी और अब वो अमाउंट अचानक से रिकवर हो जाती है। क्या बोलते हैं इस टर्म को? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है और एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अच्छा, इस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कैश आ रहा है कैश बुक में, कैश वाले कॉलम में, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करना है और टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। April 26 1000 रुपीज कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में नहीं आएगा। नेक्स्ट 27 April रिसीव फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर 2000। इस मैटर को भी थोड़ा डिफरेंट मैटर आ गया वापस, इसको समझते हैं। हमने मुरली से रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, हुआ क्या होगा? हम मनोहर से पैसे मांगते हैं। ओके, मनोहर मुरली से मांगता है तो मनोहर ने क्या करा? मुरली को बोला कि वो मुझे पेमेंट कर दे, मेरा मुरली से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं मांगती हूँ मनोहर से, मनोहर मांगता है मुरली से, मुरली ने डायरेक्ट मुझे पेमेंट कर दिया। अच्छा, क्या मेरा मुरली से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं, मुरली का मेरे बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं उस पर्सन को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मुरली ने मुझे पेमेंट क्यों दिया? क्योंकि मैं मनोहर से पैसे मांगती हूँ। मेरा किससे ट्रांजेक्शन हुआ है? मनोहर से, तो मैं उसके नाम को रिकॉर्ड करूँगी। मुरली ने मुझे पैसे दिए, मनोहर के बिहाफ पे दिए हैं, मनोहर के अकाउंट में डिपॉजिट करूंगी ना, मुरली से मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये पैसा मुझे मनोहर के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। चलो भाई, कैश आ रहा है 2000 रुपीज़ कैश आ रहे हैं और किससे आ रहे हैं? दे भले ही मुरली रहा है लेकिन किसके बिहाफ पे दे रहा है? मनोहर के बिहाफ पे। मैं मुरली का कोई भी नाम यहाँ नहीं लिखूंगी, कैश आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में 27 April टू मनोहर लिखूंगी और ये अमाउंट कौन से वाले कॉलम में लिखूंगी? बैंक वाले कॉलम में नहीं लिखूंगी, कैश वाले कॉलम में लिखूंगी। ये हो गया 27 April का। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ ट्रांजेक्शन्स और है ना, तो और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इससे आपकी ये जो मैंने ट्रांजेक्शन्स करवाने, इससे आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी ट्रांजेक्शन छूटेगा नहीं है। तो 28 April को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मुकेश विच वॉज एंडोर्स्ड टू नितिन। हमको मुकेश से चेक मिला 47,000 का और हमने उसको किसको पकड़ा दिया, किसको एंडोर्स कर दिया? नितिन को। मुकेश से लिया, नितिन को दिया, क्या हमारे बैंक बैलेंस में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? कैश तो नेचुरल आना ही नहीं है, बैंक बैलेंस में आएगा क्या? चेक क्या हमारे पास रहा, क्या हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ? नेवर, नो। ठीक है, मुकेश से आया, नितिन को दे दिया, तो हमारे बैंक बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट ध्यान रखना, आपको नीचे एक नोट में लिखना होगा दैट एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दैट कैश बुक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम राज। राज से हमें 11,000 रुपीज़ का पोस्ट डेटेड चेक मिला। पोस्ट डेटेड मीन समझते हैं आप, जैसे कब मिला ये चेक? 29 April को। 29 April को हमको चेक मिला और क्या कहा उन्होंने कि हमें अभी तो चेक दे रहा हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, बट आप इसका पेमेंट 2 महीने बाद ले पाएंगे, पोस्ट डेटेड चेक है। तो अभी क्या हमारे बैंक अकाउंट में कुछ डिफरेंस आया है क्या?
चेक भले ही हमारे पास पड़ा है, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने रख रखा है, लेकिन अभी आपके बैंक बैलेंस में से आप डिपॉजिट भी करा दोगे बैंक में, तो बैंक आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा। जो उसकी डेट होगी उसमें डेट लिख मेंशन कर रखी होगी, उस डेट को ही आप उसके बैंक बैलेंस में उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है, हमारे बैंक बैलेंस पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इस एंट्री को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इस कैश बुक में। जब पैसा आएगा तब कर लेंगे। तो 29 अप्रैल वाला भी ट्रांजेक्शन कैंसिल, बट नोट में लिखना है। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम मोनू 9000, कैश डिस्काउंट अलाउड 1000। मोनू से 9000 का चेक रिसीव हुआ और हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है 1000 का। दैट मीन्स हम उससे कितने रुपीज़ मांगते थे, 10000 रुपीज़ मांगते थे, 1000 का डिस्काउंट देके उसने हमको 9000 का चेक दे दिया। कैश और बैंक बैलेंस किस पे इफेक्ट पड़ा, बैंक बैलेंस पे। बैंक नेचुरल है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, लेकिन 9000 से, नॉट 10000 से, 9000 से बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। सो हम इसको डेबिट में बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। किससे मिला, मोनू से 30 अप्रैल। बैंक वाले कॉलम में 9 अप्रैल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये 9 अप्रैल का तो हो गया, सॉरी 30 अप्रैल का तो हो गया 9000 रुपीज़। इस मैटर को और क्लियर करना है कि ये जो डिस्काउंट जो है 1000, इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये जो रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में हो गया। हमारे पास तो बैंक बैलेंस जिससे बड़ा है वो ही लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल का, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल वॉज डिसऑनर्ड रुपीज़ 8000। हमें राहुल से 8000 रुपये का चेक मिला था और वो आज क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अच्छा, चेक डिसऑनर्ड होते ही हम डिपॉजिट कराते ही, हमने पहले डिपॉजिट कराया होगा, बाद में इन्फॉर्मेशन मिली कि वो डिसऑनर हो गया, तो चेक डिपॉजिट कराते ही हमने हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। और अब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो हमें अपने बैंक अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट यानी बैलेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा, और किसका चेक था ये, राहुल को, हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा। वैसे एंट्री ध्यान है, चेक डिसऑनर होने की एंट्री, राहुल से पैसा लेना है, राहुल आपका डेटर बन गया, राहुल ऑलरेडी डेटर था, पहले कैंसिल हो गया था, वापस डेटर बन गया, तो राहुल को तो हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के वाले कॉलम में बाई राहुल करना पड़ेगा। ये 30 अप्रैल बाई राहुल, कौन से कॉलम में, बैंक अमाउंट, बैंक अकाउंट के अमाउंट डिक्रीज हो रही ना, तो इसको बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन कर लिए हमने, आपकी फुल प्रैक्टिस हो गई इन ट्रांजेक्शन से, अब लास्ट काम जो हमारा पेंडिंग है, बैलेंस निकालना। बाकी कैश बुक पूरी बन चुकी है पर बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैश वाले कॉलम का सेपरेटली निकालेंगे, फिर बैंक वाले कॉलम का। चलो पहले कैश वाले कॉलम का सेपरेटली निकाल लेते हैं। कैश वाले कॉलम की डेबिट की भी टोटल करेंगे और इसके क्रेडिट वाले कॉलम की भी टोटल करेंगे। यहाँ इसकी डेबिट की जो टोटल है वो ज़्यादा आ रही है, और नेचुरल है, कैश का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट की टोटल ही ज़्यादा आएगी। इसकी डेबिट की टोटल 1,10,000 आ रही है, और जबकि क्रेडिट में केवल 6,000, तो ये 6,720। तो जो डिफरेंस है उसको यहाँ लिख दूँ, अगर इधर की टोटल 110 है, 1,10,000, तो हमको इधर भी कितने लिखने हैं आपको, 1,10,000, और जो डिफरेंस होगा मंथ एंडिंग में, यू टाइम पीरियड जब भी एंड होगा उधर इसको बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। अभी केवल कैश कॉलम बैलेंस हो रहा है ना, 110 इधर की थी, इधर की आपकी 6720 ही थी, तो डिफरेंस आ रहा है 1,03,280 का। ये आपका बाई बैलेंस सीडी हो गया, लिखा क्रेडिट में है क्योंकि डेबिट की टोटल ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कैश का डेबिट बैलेंस है। ओके, अब हम बैंक वाले कॉलम की भी कर लेते हैं टोटलिंग और उसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैंक वाले कॉलम के हम टोटल करते हैं, इधर की टोटल 33,500 आ रही है, इधर की टोटल करते हैं 1,08,500 आ रही है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर लिखना पड़ेगा। चलो पहले टोटल लिख देते हैं, इधर की टोटल आ रही है 1,08,500, ज़्यादा इधर आ रही है तो इधर भी ये लिखनी पड़ेगी 1,08,500, लिख दी। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बाकी तो ये अमाउंट मैच ही नहीं हो रही है, तो 30 अप्रैल को बैंक वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सी डी,
और जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आई थिंक 75,000 का आ रहा है, केवल बैंक वाले कॉलम को कर रहे हैं, ये 75,000। अच्छा, हमने लिखा इसको 75,000 को डेबिट में है क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, और बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। ओके, आई थिंक टू कॉलम कैश बुक आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे पेटी कैश बुक।